कलाई से कब उतारनी चाहिए बहन की बांधी हुई राखी, हमने से ज्यादातर भाई करते हैं ये पाप। राखी बांधने से ज्यादा उतारने का शुभ मुहूर्त जानना है जरूरी। क्या साल भर पहनते हैं बहन की बांधी हुई राखी या एक दिन बाद यूं ही उतार कर फेंक देते हैं रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र? भाई बहन के रिश्ते पर भारी पड़ सकती है ये गलती। रक्षाबंधन पर बांधी राखी को निकालने के लिए बनाए गए हैं शास्त्रीय नियम। ना मानने वालों के घरों पर टूटता है दुखों का पहाड़, वीडियो में जाने पूरी बात। रक्षाबंधन के त्योहार बीतने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि रक्षाबंधन के बाद राखी कब खोल देनी चाहिए। क्या राखी उतारने का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? क्या राखी उतारने के कोई नियम होते हैं? कोई कलाई पर बंधी राखी अगर टूट गई है तो क्या करना चाहिए? तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पेज पे नए आए हैं तो इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। वैसे आप किस शहर से हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के बाद राखी उतारने का कोई दिन या समय निश्चित नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने के बाद कम से कम उसे 24 घंटे यानी कि पूरे एक दिन धारण किए रखना चाहिए। इससे पहले राखी उतार देने से भाई और बहन दोनों को इसके शुभ लाभ नहीं मिलते हैं। देश के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक राखी बांधने की परंपरा है। आप भी चाहें तो इसका पालन कर सकते हैं। हालांकि ये शास्त्रीय नियम नहीं है, वही दूसरी ओर कई लोग राखी को साल भर बांधते हैं, ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर राखी को कब तक बांधना चाहिए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पेज पे नए आए हैं तो इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। ये सवाल हम में से कई लोगों को परेशान करता है। हालांकि शास्त्रों में इससे जुड़ा विधान बताया गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार हाथ में बंधी राखी का पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही अनिवार्य रूप से उतार देना चाहिए। ऐसा न करने पर वो अशुद्ध हो जाती है, जिसका गलत असर पूरे परिवार पर पड़ता है। लिहाजा ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में वास्तु दोष लगने का खतरा बढ़ जाता है। कई लोगों में देखा जाता है कि राखी को हाथ से उतारकर घर में ही कहीं रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बता दें कि राखी को उतारकर उसका विसर्जन करना बेहद जरूरी होता है, इसीलिए रक्षाबंधन के 24 घंटे बाद या जन्माष्टमी के दिन जब भी आप राखी उतार रहे हैं तो इसका विसर्जन करें। वहीं यदि आप राखी का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पेड़ पर बांध सकते हैं। कई बार हाथ में बंधी हुई राखी टूट जाती है और भाई भी उसे उतार कर फेंक देते हैं। इस तरह की राखी को नहीं फेंकना चाहिए, शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। टूटी हुई राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। किसी पेड़ की जड़ में भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा करते समय 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट जरूर करिए।